सब्जियों के दाम से लेकर मौसम के हाल तक, सेंसेक्स के उछाल से लेकर बिजली गुल होने की बात तक, पल पल राजस्थान लेकर आया है हर आम के लिए खास खबर, न्यूज फॉर यूज। नमस्कार, मैं हूँ प्रियंका गौतम और आप देख रहे हैं पल पल राजस्थान। कल जल झूलने एकादशी पर बाईजी राज के कुंड पर एक दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें पानी में डूबने से दो महिलाओं की मौत हो गई। इस घटना के बाद पूरा शहर स्तब्ध है। पल पल राजस्थान भगवान से प्रार्थना करता है कि हादसे में अपनी जान गंवा चुकी नाड़ा खाड़ा जोशी जी की बाड़ी निवासी सज्जन कंवर और गोवर्धन विलास निवासी विमला देवी को अपने श्री चरणों में स्थान दे। वैसे कल शहर में विभिन्न स्थानों पर राम रेवाड़ियां निकली, इसमें प्रशासन की लापरवाही भी सामने आई है। गंगोर घाट के समेत किसी भी घाट पर गोताखोर तैनात नहीं थे। चलिए फटाफट अंदाज में शुरू करते हैं न्यूज फॉर यूज। सबसे पहले बात करेंगे सब्जियों के दाम की। भिंडी 30 से 35, गवार फली 60 से 70, टमाटर 30 से 35, मिर्ची 35 से 40, अदरक 40 से 50, फूलगोभी 80, पत्ता गोभी 40, धनिया 60, लौकी 20 से 25, खीरा 50, बैगन 40, तरोई 30 से 40, शिमला 55 से 60, नींबू 60, करेला 40 से 45, अरवी 30 और किकोड़े का भाव 80 से 90 रुपए किलो है। चलिए अब बात करते हैं कहाँ रहेगी बिजली गुल, यानी आज 7 सितंबर 2022 को शहर के किसी भी क्षेत्र में घोषित कटौती नहीं है, लेकिन तकनीकी खराबी की वजह से बिजली गुल हो सकती है। बिजली के बाद अब जानते हैं मौसम का हाल। दक्षिणी राजस्थान में मॉनसून फिर से सक्रिय हो सकता है। एक या दो दिन में मेघ जमकर बरस सकते हैं। बीते दिनों उमस ने आम जनजीवन को प्रभावित किया, लेकिन आगामी दिनों में भारी बारिश की चेतावनी है। चलिए अब एक महत्वपूर्ण खबर बताती हूँ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 11 और 12 सितंबर को उदयपुर आ सकती है। ऐसे में प्रशासन अलर्ट मोड पर है। वही आदिवासी विधायकों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। राष्ट्रपति का 11 सितंबर को महाराणा प्रताप हवाई अड्डा डबोक से सीधे आबू रोड जाने तथा वापसी में 12 को आबू रोड से आकर नई दिल्ली जाने का कार्यक्रम है। राष्ट्रपति की यात्रा को देखते हुए जिला प्रशासन ने एक स्पेशल कंट्रोल रूम भी स्थापित किया है, जिसका प्रभारी संस्कृत कॉलेज के व्याख्याता डॉक्टर महामाया प्रसाद चौबीसा को बनाया है। आशा करते हैं पल पल राजस्थान का ये विशेष सेगमेंट आपके लिए लाभदायक साबित होगा। आपको ये सेगमेंट कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में आप की राय अवश्य दें। नमस्कार।